बसमिल्दी वबारिक वल्ल नाजर नगर अम्मी मैंने नूर की दो घंटे पहले स्टोरी की है वो मैंने अपलोड की है तकरीबन तीन हज़ार व्यूज़ पर एक मुझे कॉल आती है दुबई से शारजा से वो भाई कहते हैं कि वाजिद भाई इसका नंबर दे दो मुझे मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ मैंने नंबर दिया उनको लेकिन उसने इनके साथ कॉन्टैक्ट जरूर किया लेकिन इसको पैसे नहीं भेजे उन्होंने पेमेंट मुझे भेजी है कि वाजिद भाई मुझे आप पे यकीन है आप इनको खुद ही पकड़ा दें इनके घर वालों को भी पता चले कि किसी ने हेल्प की है तो कहने का मकसद ये उन्होंने रिश्ते की कोई ऐसी बात नहीं की तो मैं इनसे बात करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी डोनेशन की है पचास हज़ार रुपये इस दौर में कोई पाँच सौ रुपये भी नहीं देता नाजरिन तो पचास हज़ार रुपये उन्होंने है मज़ीद मैं इनसे बात करता हूँ नूर से अगर शादी करना चाहे मैंने पहले इंटरव्यू में अपने दोस्त काशिफ़ के लिए कहा था लेकिन काशिफ साहब ने तो अभी इतनी बड़ी डोनेशन नहीं की अगर इस भाई ने ए, करनी है शादी या इन्होंने करनी है तो मैं इनका मौकाफ़ जान लेता हूँ असल वाईक अस्सलाम कैसे हैं आप मैं ठीक आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ अच्छा आपको पता है कि आपको आपके लिए डोनेशन आ गई है जी अभी हम खाना खा रहे थे वीडियो जो अपलोड किया ना उसके बाद पैसे आ गए आपके चलो शुक्रिया जिसने भी पेमेंट किया है बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा उन्होंने आपको वो बहुत हयादार बंदा है उसके साथ मेरी घंटा डेढ़ बात हुई है वो कह रहे थे कि वाजिद भाई नूर से बात कीजिएगा कि ये शादी वाकई करना चाहती हैं कि नहीं मैं करना चाहती हूँ अगर उनकी तरफ से कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है अब अबू की कैसी तबीयत है बेहतर है जी बिल्कुल बेहतर है पचास हज़ार की आपकी डोनेशन आई है बहुत बहुत थैंक यू आपका अच्छा मैंने नंबर दिया था उनको उन्होंने जब आपको कॉल की क्या बात की जरा वो भी हमारे नाज को बताएं। उन्होंने अबू का पूछा था हालात पूछे थे घर के और सारा मतलब पूछा था कैसी हैं आप कहाँ से ताल्लुक़ आएंगे वो यही बात हुई थी आपने फिर बताया मुल्तान से जी मैंने बताया, मैंने बताया इतनी कोई, कोई लूज बात कोई गलत बात गलत की हो नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी साहब तो कुछ बेगैरत तो होते हैं वो कहते हैं जिसम दिखाओ बलून दिखाओ अपने ये दिखाओ वो दिखाओ तो फिर इन बिचारियों को कुछ दस पंद्रह हजार पाँच हजार बेचते हैं इस तरह की तो उन्होंने बात नहीं की नहीं उन्होंने मेरे से कोई भी ऐसी बात नहीं किया पक्की बात नहीं जी बिल्कुल बंदा भी देख लिया होगा तस्वीर भी देखी होगी दिखने में कैसे हैं अच्छी हैं दिखने में ठीक है जी बाकी तो आपको पता है कि नेचर वाइज इंसान जब फेस टू फेस मुलाकात करता है फिर ही पता चलता है जी बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा मैं आपको पैसे देता हूँ ये गिनती भी करें नोट भी चेक कर लें आप ये गिनती करें नाजरन ये इस बहन साहबा की ना डोनेशन आ गई है तो मैंने इनको पकड़ा दी है तो ये दो तीन चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग भी ये देख सकते हैं इसमें किराया दो मोबाइल लो खाओ पियो ब्यूटी पार्लर पे जाओ ये आप लोगों पे हलाल है मैंने आप लोगों को दे दी है ठीक है लेकिन आपको मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा लेकिन पैसों गलत इस्तेमाल ना करना बना ठीक है बिल्कुल नहीं करूँगी मुझे मदद की ज़रूरत थी मैं घर के हालात ही चलाने आप इनसे ही चलेंगे पता बात क्या उनकी होती है खून पसीने की कमाई वो दिन रात मेहनत करते हैं अनथक मेहनत करते हैं सख्त तरीन मेहनत करते हैं देखें वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं अपने पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं अपने खूबसूरत रिलेशन को ब्लड को पीछे करके जाते हैं सालों साल वहाँ पर लगाते हैं हमें डोनेशन भी भेजते हैं हम लोग चैनलों पर काम भी कर रहे हैं आप जैसी बहनों की खिदमत भी करते हैं फीस अभी लाला तो आप लोग पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है मैंने इनका गलत इस्तेमाल क्यों करना है अच्छा सबसे पहले ये बताओ क्या करोगे इन पैसों में से सबसे पहले अबू का इलाज करवाऊंगी <coughs> अच्छी सोच है सबसे पहले आपने घर जाना है रास्ते में से जो गोश्त पसंद हो चिकन हो मटन हो या बड़ा गोश्त बीफ वो लेके जाना है वो भून कर अपने बाबा को अम्मी को खिलाना है आपने ठीक है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ठीक है जी बाकी वो मॉडलिंग वाला ये सिस्टम छोड़ दो तो अगर मदद आती रहेगी तो वो भी छोड़ दूंगी मैं हमारी बहनें हैं कोई मसला नहीं है टेंशन ना लें मैंने कह दिया ना आप मुझे कहें दो लाख और मंगवा दो इतने रेफरेंस से मैं मंगवा दूंगा चले बहुत लेकिन बहुत ये है कि काम करना है कि ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना ये ड्रेसिंग नहीं लेना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं इससे अब की मदद करनी है घर के हालात ठीक ओके बहुत शुक्रिया आप जा सकती हैं जाए तो नाजरीन मैंने तमाम तरह तफसी बहना को समझा दिए एंड बता दिए तो उनकी जो अमानती है उनको मैंने दे दी है तो अपने मेज़बान वाजली बुखारी को जगह